प्रातः काल उठने से पहले ही हमारी पूज्य हमारी आराध्या गौ माता को काट दिया जाता है। यही हो रहा है ना, गौ मांस खाने वाले लोग भी हमारे यहां हैं। एक कवि गाय की करुण पुकार लिखते हैं और कहते हैं कि गौ माता कहती है, दांतों तले तृण बांध के है दीन गाय कह रही, हम हैं पशु तुम हो मनुज क्या योग्य तुमको है यही, हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, पर देकर कसाई को हमें तुमने हमारा बध किया। गौ माता कहती है, हमने तो तुम्हें एक माँ की तरह अपना दुग्ध पान कराया और तुमने क्या किया, अरे देकर कसाई को हमें तुमने हमारा बध किया। कुछ चंद पैसों के कारण हम गौ माता का क्रय विक्रय कर देते हैं। और अंत में गैया मैया कहती है कि जारी रहा यदि क्रम यही यूं ही हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। अरे जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहनी पाएगी, यह दिव्य भारत भूमि सिर्फ मरघट मही बन जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा यदि इसी तरह गैया मैया की हत्या हमारे देश में होती रही तो। अरे भगवान कहते हैं ना, हम लोग हमारे में से ही कुछ लोग रहते हैं, हमारे भारतीय हैं, जो गौ मांस का भक्षण करते हैं, मांस का भक्षण करते हैं। अरे जरा आप बतलाइए, हमारे यहाँ 56 प्रकार के भोग हैं, पहले 56 प्रकार के रहे होंगे, आज शायद 156 हो गए होंगे। हमारे यहाँ इतने प्रकार के भोग हैं, मेवा मिष्ठान्न है, फिर भी लोग मांस का भक्षण कर रहे हैं। क्या किसी जीव को मार करके अपना पेट भरना ये प्रकृति है क्या? हमारे यदि थोड़ा सा लग जाता है 200 डॉक्टरों के पास जाते हैं, अरे हम उन्हें काट करके खा रहे हैं, ये सच है क्या, ये सत्य है क्या? उन्हें कितना कष्ट होता होगा। भगवान कहते हैं कि मेवा मिष्ठान मैंने ही पैदा किए, फिर भी मांस को खाए तो मैं क्या करूं, अरे छोड़ आस जगत की आ मेरी शरण में, जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं। ऐसा विचित्र आज का वातावरण हो चुका है।